हरे कृष्णा एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम इंग्लिश वन बुक का फोर्थ लेसन अ विजिट टू अ विलेज पढ़ेंगे ओके विजिट टू अ विलेज का मीनिंग है विजिट मींस होता है मिलना ओके एंड विलेज का मीनिंग होता है गांव तो गांव में जाना ठीक है इस चैप्टर का मीनिंग है गांव में जाना या गांव में विजिट करना गांव में देखना कि क्या क्या है ठीक है चलिए अबाउट द लेसन यहाँ पर क्या दिया हुआ है दिस इज अ जर्नी बाय अ ट्रेन ये एक जर्नी है जर्नी मीन्स यात्रा यात्रा है किसके द्वारा ट्रेन से करी हुई यात्रा है इन दिस लेसन द ब्यूटी ऑफ अ विलेज इज डिस्क्राइब इन एन इंटरेस्टिंग वे इन दिस लेसन इस लेसन में द ब्यूटी ऑफ द विलेज ब्यूटी मीन्स सुंदरता विलेज की सुंदरता इज डिस्क्राइब डिस्क्राइब मीन्स वर्णन किया गया है विलेज की सुंदरता का वर्णन किया गया है इन एन इंटरेस्टिंग वे एक इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिकर वे में उसका उसको डिस्क्राइब किया गया है ठीक है Let us enjoy it. चलिए आइए पढ़ते हैं और इसको enjoy करते हैं. Nisha, her brother Kapil and their parents were going to visit their uncle and aunt who lived in a village. ठीक है? Nisha, her brother, उसका भाई Kapil, उसके भाई का नाम था Kapil and their parents और उसके मम्मी पापा were going जा रहे थे to visit their uncle, उनके uncle से मिलने के लिए and aunt, uncle and aunt से मिलने के लिए, चाचा चाची से मिलने के लिए. Who lived in a village, जो एक विलेज में रहते थे ठीक है Nisha was very excited. Nisha बहुत excited थी, बहुत उत्सुक थी गांव जाने के लिए okay? She had never been to a village before. She had never been, मतलब वो इसके पहले कभी भी नहीं गई थी to a village before. कभी भी इसके पहले वो गांव नहीं गई थी ठीक है Nisha, Nisha बोलती है I am very excited about going to a village. वो बोलती है मैं बहुत उत्सुक हूँ विलेज जाने के लिए What is it like, mother? अपनी मम्मी से बोलती है वो मम्मी विलेज कैसा होता है What is it like? विलेज कैसा होता है मम्मी उसकी मम्मी क्या बोलती है मदर ओ इट्स वेरी ब्यूटिफुल उसकी मम्मी बोलती है अरे ये विलेज तो बहुत सुंदर होता है यू विल एंजॉय प्लेइंग इन द फील्ड्स विद योर कजन्स तुम वहां पर एंजॉय करोगी प्लेइंग इन खेलना इन द फील्ड्स फील्ड्स मीन्स खेतों में मैदान में वहां पे तुमको खेलने में अपने फ्रेंड्स के साथ में आपके कजिन्स के साथ में खेलने में आपको बहुत मजा आएगा वहां पर कपिल तभी कपिल कहता है डू अंकल एंड ऑन्ट गो टू ऑफिस लाइक पापा एंड यू तो कपिल पूछता है कि क्या अंकल और आंटी चाचा चाची भी ऑफिस जाते हैं पापा और आपके जैसे ऑफिस जाते हैं कि चाचा और चाची भी मदर तो मम्मी बोलती है नो दे वर्क ऑन द फार्म नहीं वो वर्क करते कहाँ पर वर्क करते फार्म पर खेत पर वर्क करते हैं वो दे ग्रो शुगर केन एंड राइस वो उगाते हैं क्या शुगर केन मीन्स गन्ना ठीक है ना आपने गन्ना देखा होगा उसको इंग्लिश में बोलते हैं शुगर केन एंड राइस उनके खेतों में वो गन्ना और चावल उगाते हैं दे हैव मैनी काउज उनके पास बहुत सारी गाय हैं कपिल तो कपिल बोलता है हाउ विल वी रीच द विलेज हम विलेज कैसे पहुंचेंगे आर देयर ऑटोज एंड टैक्सीज टू टेक अस देयर क्या वहां पर ऑटो और टैक्सी है जो हमको विलेज तक ले जाएंगी फादर तो उसके फादर क्या बोलते हैं नो देयर आर बसेस नहीं वहां पर क्या है बसेस हैं मे बी योर अंकल विल ब्रिंग हिज ट्रैक्टर हो सकता है कि तुम्हारे अंकल जब हम वहां गांव में पहुंचेंगे तो तुम्हारे अंकल अपना ट्रैक्टर ले आएंगे वी कैन राइड ऑन इट टू द विलेज वी कैन राइड राइड मीन्स उस पर सवारी करना हम उस पर बैठकर विलेज जा सकते हैं निशा तब निशा बोलती है आर देयर हाउसेस इन द विलेज क्या विलेज में भी हाउसेस होते हैं घर होते हैं मदर तो उसकी मम्मी बोलती है ऑफ कोर्स बिल्कुल होते हैं देयर आर हाउसेस इन द विलेज देयर आर बिल्कुल होते हैं गांव में भी घर होते हैं सम ऑफ देम आर बिग हाउसेस उनमें से कुछ कैसे घर हैं बड़े घर हैं विद टाइल्ड रूफ्स रूफ मींस छत उनके वो जो घर हैं उनकी छतें टाइल्स की बनी हुई है ठीक है विद टाइल रूफ्स अदर्स आर स्मॉलर विद थैच्ड रूफ्स और कुछ छोटे घर होते हैं और जिनकी छतें किस चीज़ की बनी होती है थैच की जो घास फूस होता था ना पहले आपने देखा होगा विलेजेस में ऐसे घास फूस की बनी हुई छत होती है तो उसकी मम्मी बोलती है कि कुछ बड़े घर हैं जिनमें टाइल रूफ्स हैं एंड सम देर आर सम स्मॉलर हाउसेस विच हैव थैच्ड रूफ्स देर इज अ वेल एंड टू बिग नीम ट्रीज वहां पर एक कुआं भी है वेल मीन्स कुआं एंड टू बिग नीम ट्रीज दो बड़े नीम के पेड़ है बिहाइंड अंकल्स हाउस अंकल के घर के पीछे तुम्हारे चाचा के घर के पीछे एक वेल है एंड देयर इज अ बिग नीम ट्री हाउस आल्सो बिग नीम ट्री आल्सो ओके व्हेन वी वर यंग
फिर उसकी मम्मी बोलती कि जब हम यंग थे, जब हम हमारी कम एज थी, वी यूज टू सिट अंडर द ट्रीज. हम कहाँ बैठते थे? पेड़ों के नीचे बैठते थे एट नाइट. रात में हम लोग पेड़ों के नीचे बैठते थे. ग्रैंडपा वुड टेल अस स्टोरीज. और हमारे जो दादाजी थे वो हमें क्या बताते थे? सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे. द पीपल ऑफ द विलेज वुड गैदर टू लिसन टू द स्टोरीज. द पीपल ऑफ द विलेज, पीपल मीन्स लोग. गांव के जो लोग थे वुड गैदर, गैदर मीन्स इकट्ठे हो जाते थे. टू लिसन, लिसन मीन्स सुनने के लिए. स्टोरीज, उन स्टोरीज को सुनने के लिए जो हम मेरे दादाजी सुनाते थे, उन स्टोरीज को सुनने के लिए गांव वाले सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे. समटाइम्स व्हेन इट वाज वेरी हॉट, कभी कभी, समटाइम्स मीन्स कभी कभी, व्हेन इट वाज वेरी हॉट, जब बहुत गर्मी होती थी, वी वुड स्लीप अंडर द ट्रीज. हम ट्रीज के नीचे क्या करते थे? सो भी जाते थे. स्लीप मीन्स सोना, सो भी जाते थे. दिस स्मेल्ड सो गुड एंड इट फेल्ट सो कूल. जब हम पेड़ के नीचे सोते थे तो हमको उसके नीचे बहुत अच्छी खुशबू आती थी एंड बहुत कैसा लगता था? फेल्ट मीन्स फील होता था. सो कूल, बहुत ठंडा ठंडा फील होता था. ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम इस लेसन को यहीं तक पढ़ेंगे. आपको आपकी बुक में, पहले इस वीडियो को देखकर आपको उसके बाद आपकी बुक में इस लेसन की रीडिंग बहुत अच्छे से करनी है और इसका मीनिंग यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा. ठीक है, आगे का लेसन आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.